बीसीसीआई ने ये इस बात को साफ कर दिया है कि वो बायो बबल प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में फंसे पांचों भारतीय खिलाड़ियों का पूरा साथ देंगे। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि इस मामले में पूरे तरीके से साजिश की बुआ रही है। ये टीम इंडिया को अनसेटल करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बेहद खराब चाल है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों द्वारा बायो बबल को तोड़ने का मामला तब सामने आया जब एक वीडियो 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस मामले को हेडलाइन बना दिया और मामला काफी गंभीर नजर आने लगा। इसके बाद दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पांचों खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ को लेकर जारी किया, जो इस घटना के बाद आइसोलेशन में है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एक इंटरव्यू में पूरी जानकारी दी और कहा कि ये सारे खिलाड़ी रेस्टोरेंट से बाहर खड़े थे क्योंकि बारिश हो रही थी। इसके बाद ये खिलाड़ी उस रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि अगर तीसरे टेस्ट मैच से पहले ये टीम इंडिया को अस्थिर करने की कोशिश है तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बेहद खराब चाल है। उन अधिकारी ने आगे ये भी बताया कि सबसे पहले कि उन्हें ट्रेनिंग करने की अनुमति दी गई है और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। टीम इंडिया की तरफ से जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं हुआ है। भारतीय टीम के साथ जुड़े सभी लोग इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ। दूसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद ये ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द्वारा जानबूझकर मामले को उछालने की एक कोशिश है। अगले कुछ दिन टीम इंडिया के लिए काफी अहम है क्योंकि उन्हें तीसरे टेस्ट मैच के लिए सिडनी रवाना होना है। ये पांचों खिलाड़ी तीसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं ये 72 घंटों के अंदर पता चल सकता है। टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट मैच अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में 7 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है और ये टेस्ट मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब देना चाहेगी। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।